हेलो गाइज, व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन लोगों ने लेनोवो का लैपटॉप लिया है। गाइज, मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि लेनोवो की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने ड्राइवर को ऑटोमेटिकली कैसे डिटेक्ट करें अपने पीसी में और रिकमेंडेड ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करें। गाइस, कई लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे हमारे सिस्टम में कौन कौन से ड्राइवर की ज़रूरत है और कौन कौन से ड्राइवर रिकमेंडेड हैं। सो गाइस, ये उन लोगों के लिए है जिनको पता नहीं होता है। इस मेथड में मैं गाइस मैं ये बताऊंगा कि सिस्टम में आपके जो भी ड्राइवर होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करेगा आपके लेनोवो का जो वेबसाइट है और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके वो सारे ड्राइवर्स की लिस्ट शो करेगा एक जगह। उसके बाद आप चाहे तो वन बाय वन इंस्टॉल कर सकते हैं ड्राइवर को, या फिर आपके सारे ड्राइवर को एक ही साथ सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस, ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। गाइस, इसके लिए आपको लेनोवो की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा और वहाँ पे आपको lenovo.com टाइप करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले जाते हैं। आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, सपोर्ट में जाएंगे। सपोर्ट में जाने के बाद अपडेट ड्राइवर्स पे क्लिक करेंगे। गाइज, एक विंडो खुलती है जिसमें आपने क्लिक करना है डिटेक्ट योर प्रोडक्ट। पीसी के नीचे आपको शो करेगा डिटेक्ट योर प्रोडक्ट। गाइज, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, गाइस जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया, आप लोग देख पा रहे हो, आपके सिस्टम को ये स्कैन करेगा। देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसने हमारे सिस्टम को डिटेक्ट कर लिया है और यहाँ पर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो कर रहा है, लाइक सीरियल नंबर्स एंड सो ऑन। सो गाइज, यहाँ पे आपको सिंपली अपडेट योर सिस्टम पर क्लिक करना है। गाइज, यहाँ पे आपने यहाँ पे आपको शो कर रहा है ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर। नीचे आना गाइज, आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। चूंकि हमें ऑटोमेटिक डिटेक्ट करवाना है ड्राइवर्स को, तो हमें ऑटोमेटिक ड्राइवर अपडेट पे क्लिक करना है। आप गाइस, क्लिक करने के बाद आपको सिंपली स्टार्ट स्कैन पे क्लिक करना है। गाइस, जैसे ही आप स्टार्ट स्कैन पे क्लिक करेंगे, यह सिस्टम में जितने भी रिकमेंडेड ड्राइवर हैं सबको स्कैन करेगा और इसकी एक लिस्ट आपको शो करेगा यहाँ पर। जैसा कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट करेगा, नीचे ड्राइवर्स की लिस्ट ऑटोमेटिकली ये दिखा देगा। गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये ग्रीन लाइन चल रही है। जैसे ही ये सर्कल पे आएगी, स्कैनिंग बंद हो जाएगी, आपको रिकमेंडेड ड्राइवर्स नीचे शो करेंगे। गाइस, ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और आपके ड्राइवर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत लोगों को पता नहीं होता गाइस कि कैसे ड्राइवर्स को इंस्टॉल करें या फिर कौन कौन से ड्राइवर्स की नीड है हमारे पीसी में। बेसिकली जो नए लोग होते हैं, न्यू यूजर्स होते हैं, उनको बेसिकली पता नहीं होता है कि हमारे ड्राइवर सिस्टम में कौन कौन से ड्राइवर्स की नीड है। सो गाइस, ये उनके लिए बेसिकली उन्हीं के लिए वीडियो है।
गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं कि स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और नीचे अभी देखते हैं इसको, जो हमारे सिस्टम में ड्राइवर रिकमेंडेड थे वो अभी दिखाएगा। मैं अभी नीचे करता हूँ, देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दो ड्राइवर्स दिखा रहा है मेरे पीछे में, मेरे सिस्टम में AMD सॉफ्टवेयर का दिखा रहा है और बायोस। सो गाइस आपने सिंपली सिलेक्ट के नीचे टिक करना है जिस भी ड्राइवर को आपको इंस्टॉल करना है, लाइक आपको सारे ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है सब तो सबको टिक करना होगा और सिंपली अपडेट ड्राइवर्स पर क्लिक करना है। गाइस जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और सबसे पहले ये ड्राइवर्स की फाइल्स को डाउनलोड करेगा। गाइस यहाँ पे सिंपली आपने नेक्स्ट करना है। ये कंफर्मेशन था, आपने सिंपली आपने कंफर्मेशन दे दिया और ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये ड्राइवर्स की जितनी फाइलें हैं सबको डाउनलोड करेगा पहले, उसके बाद वन बाय वन ये पूछेगा कि आपको कौन से ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, वन बाय वन ये दिखाएगा। आपने सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा लास्ट में, जैसा कि आप लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ये कुछ देर तक प्रोसेस चलेगा। गाइस आपने यहाँ स्किप नहीं करना है ना आपको, आपके सिस्टम को रिफ्रेश भी नहीं करना है जब तक कि ये ड्राइवर्स की फाइल्स को डाउनलोड ना कर ले। गाइस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है यहाँ पे, ये थोड़ा टाइम लेता है और जैसे ही डाउनलोड कर लेगा ये एक मैसेज बॉक्स दिखाएगा ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने के लिए। सो गाइस बी पेशेंस। एंड गाइस हमारे चैनल पर अगर नए हो तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप, अगर आपको अच्छा लगे, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। और गाइस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। गाइस यहाँ पे ये टाइम लेता है चूँकि आप लोगों को पता होगा कि ड्राइवर या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस बनाए रखना है, डर के साथ आप लोग देखते रहिए वीडियो को भी। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा डाउनलोडिंग किसी एक ड्राइवर्स की, उसकी या उसका मैसेज दिखाएगा और सिंपली आपने उसे नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा AMD जो सॉफ्टवेयर है इसके फाइल्स डाउनलोड होने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। सो बी पेशेंस प्लीज गाइस, यहाँ पे साइन, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग फील कर पा रहे होंगे वीडियो देख करके, एक ड्राइवर इंस्टॉल होने वाला है इसके सॉफ्टवेयर को, इसकी फाइल्स इस डाउनलोड होने वाली और ये कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे आपके डायलॉग बॉक्स दिखाएगा जिसे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना हो। वीडियो को देखते रहिए गाइस पेशेंस के साथ और यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट होगा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सो गाइस वेट फॉर सम टाइम।
गाइस यहाँ पे एक मैसेज शो कर रहा है, आपने सिर्फ यहाँ पे यस या नेक्स्ट जो भी है ऑप्शन करना है, नो नहीं करना है। यहाँ पे आपका ड्राइवर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस मैनुअली आप ऐसे ही कर सकते हैं वन बाय वन, जिस भी ड्राइवर को आपको इंस्टॉल करना है वन बाय वन आप कर सकते हैं, सारे ड्राइवर आपके ऐसे ही वन बाय वन स्टार्ट हो जाएंगे। सो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।